कौन कहता है कि हिंदुस्तानी में दम नहीं है? स्पोर्ट्स में से पॉलिटिक्स हटा के देखो, गली गली में चैंपियंस मिलेंगे। बहुत ग्रेट मूवी, देखने वाली मूवी। नाइस, अच्छी है, इंस्पायरिंग है। इट्स ओके मूवी यार। एक गुमनाम चिट्ठी के ऊपर सस्पेंड तो नहीं कर सकते, आफ्टर ऑल ही इज द बेस्ट वी हैव। ट्रांसफर कर देते हैं चेन्नई, वहां से ढूंढ के ले आएंगे ये टैलेंट। अबे तेरी तो, अगर इन्हें तभी उखाड़ देता तो आज इस देश में बॉक्सिंग की यार नहीं होती। जो वो हीरो था वो और जो मेल उसमें जो लड़की थी जिसने बॉक्सिंग की, हाँ ठीक थी माधवन की एक्टिंग, यू कैन कंपेयर टू शाहरुख खान की, हाँ अच्छी एक्टिंग थी। इतनी है कि हर किसी को देखनी चाहिए एक बार। आर माधवन की एक्टिंग बहुत अच्छी, जैसे प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग थी, काइंड ऑफ अ दैट मूवी, मिल्खा सिंह, खैर उतना तो नहीं हो सकता था बट काइंड ऑफ कुछ होता उसके इक्वल ना, बट एज सच मेरे को नहीं मिला। 8 साल से साले भाई बॉक्सर सिर्फ उम्र और कमर बढ़ती जा रही है, इनमें से किसी में वो आग नहीं। कौन है वो लड़की? पगली 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 मैं झल्ली, आसमां में उड़ने चली पानी की मछली। बहुत अच्छी एक्टिंग है उसकी, हाँ देखने वाली मूवी है ये, टैक्स फ्री होनी चाहिए मूवी। इंडिया के ऊपर भी, बॉक्सिंग के ऊपर, आर माधवन की एक्टिंग थोड़ी सी इंस्पायरिंग है। हमें इंस्पायर करना चाहते हैं कि हमें ढंग से अपने आप को फिट रखना चाहिए और सबको खेलना चाहिए। राजकुमार हिरानी की मूवी थी तो मैं भी एक्सपेक्ट करके आया था कि काफी अच्छी मूवी हो, बट एज सच यार मुझे लगा नहीं सीरियसली। सोचा था बॉक्सर बनेगी, चैंपियन बनेगी, वो हासिल कर पाएगी जो मैं नहीं कर पाया। निकल यहां से, दफा हो जा मेरी जिंदगी से। मैं झल्ली पटाखा हूं पटाखा। 5 दूंगी मैं। 3 5 5 4 और 2.5। अगर वो हारी तो तू ही हारा ना। प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे फंसा रहे हैं।